is that what measures are in place to make compulsory provisions for employers to grant certain number of paid menstrual leaves to female employees? Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, as the gentleman would concede that as a menstruating woman, I can very particularly in this house say, menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. Neither it's a natural part of a woman's life journey. Given that women today are opting for more and more economic opportunities, I will just put my personal view on this, sir. I'm not the officiating ministry. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint towards menstruation. महिलाओं का मासिक धर्म कोई विकलांगता नहीं, इसलिए पेड लीव देने की जरूरत नहीं है। सदन में स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। मासिक धर्म के दौरान छुट्टी को लेकर लंबे समय से चर्चाएं की जा रही थी कि महिलाओं के मासिक धर्म के समय छुट्टी देनी चाहिए या नहीं, इसे लेकर बात की गई। राज्यसभा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं का मासिक धर्म कोई विकलांगता नहीं, इसलिए पेड लीव देने की जरूरत नहीं है। इतनी ही उन्होंने कहा कि यह कोई विकलांगता नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ स्मृति ईरानी ने कहा कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सिर्फ कुछ महिलाओं को उन दिनों में जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में सामान्य तौर पर कुछ खास दिक्कत नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मासिक धर्म को दौरान महिलाओं को छुट्टी देने की ऐसी किसी नियम की जरूरत नहीं है। स्मृति ईरानी ने कहा, माहवारी वाली महिला होने के नाते मैं कह सकती हूँ माहवारी और उसका चक्र कोई विकलांगता नहीं है, यह महिला की जीवन यात्रा का स्वाभाविक अंग है। क्योंकि आज महिलाएं अधिक से अधिक आर्थिक मौकों की तलाश कर रही हैं, मैं इस पर अपनी व्यक्तिगत राय रखना चाहूंगी। झा ने कहा कि 1990 के दशक की शुरुआत में बिहार पहला राज्य बना था जिसने मासिक धर्म के दौरान छुट्टी दी थी। उसके बाद केरल भी उसी रास्ते पर चला। आरजेडी सांसद ने मंत्री से पूछा कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अनिवार्य तौर पर पेड लीव देने को लेकर क्या किया गया है। इसके जवाब में ईरानी ने राज्यसभा को बताया कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सिर्फ कुछ महिलाओं को उन दिनों में जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में सामान्य तौर पर कुछ खास दिक्कत नहीं होती। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने अपनी पिछली रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि कार्मिक मंत्रालय को हितधारकों से बात करके एक मासिक धर्म अवकाश नीति बनानी चाहिए जिसमें माहवारी के समय परेशानियों का सामना करने वाली महिलाओं को छुट्टी की अनुमति हो। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का संज्ञान लिया है, मासिक धर्म से ज्यादातर महिलाओं को कमजोरी का अनुभव होता है और कार्यस्थल पर उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। हालांकि कार्मिक मंत्रालय का कहना है कि महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष मासिक धर्म अवकाश स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा है और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर सबसे अच्छी तरह विचार कर सकता है। फाइनली, महिलाओं का मासिक धर्म कोई विकलांगता नहीं, इसलिए पेड लीव देने की जरूरत नहीं है। स्मृति ईरानी। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।